हेलो स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन हब्बानपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पद परिचय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, आज हम उससे आगे उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा शब्दों का जो पद परिचय चल रहा था वो हम कंटिन्यू कर रहे थे, थोड़ा सा आज और समझ लेते हैं विस्तृत रूप में। जैसे एक उदाहरण है, श्याम विद्यालय में जाता है। प्यारे बच्चों, उदाहरण है श्याम विद्यालय में जाता है। पद परिचय हमने किया श्याम का, विद्यालय का और जाता है। इसमें क्या है, ज्यादा ज्यादा समझेंगे तो उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसका पद परिचय करेंगे श्याम का। श्याम का पद परिचय आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों का, ऐसे पदों का हम पद परिचय बहुत सीख चुके हैं पहले। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम वाले सभी शब्दों को किस नाम से जानते हैं, संज्ञा शब्द के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संज्ञा शब्दों के नाम से। ठीक है, अब संज्ञा पहले भी आपको बता चुके हैं तीन प्रकार की होती है, बार बार बता रहे हैं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। श्याम नाम है, नाम वाले शब्दों को सभी शब्द किस संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो पहला बिंदु इसका क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम चर्चा करेंगे इसकी लिंग पर और वचन पर। श्याम वो किसी पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो कौन सी लिंग होगी, पुल्लिंग। और वचन एक संख्या का बोध करवा रहा है, ठीक है, तो एक वचन। अब ध्यान से देखो, विद्यालय कौन जा रहा है, श्याम। किसी भी काम को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है, तो कर्ता कारक क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ये यहां लिख देते हैं, एक वचन और कर्ता कारक। दूसरा है विद्यालय, विद्यालय किसी भी स्थान का बोध करवा रहा है, ठीक है, तो यहाँ विद्यालय में जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय पुल्लिंग, एक वचन। कारक देखो, इसमें मे विभक्ति है, तो अधिकरण कारक जो होता है उसकी विभक्ति क्या होती है, मे पई पर, तो अधिकरण कारक। ठीक है, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन और अधिकरण कारक। जाता है, जाता है हो जाएगा क्रिया, ये क्रियापद है। ठीक है, अभी आपको बताया था कि किसी भी स्थान का बोध करवाने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें अक्रमक क्रिया होती है, क्योंकि विद्यालय है वो कर्म नहीं है, तो जिस वाक्य में, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो कौन सी क्रिया कहलाती है, अक्रमक क्रिया। जाता है पुल्लिंग, एक वचन, काल कौन सा, वर्तमान का। नंबर दो, सीता गीता के साथ पाठ पढ़ती है। उदाहरण को ध्यान से देखिए, सीता गीता के साथ पाठ पढ़ती है। पद परिचय करवा रहा है सीता का, गीता का, पाठ का और पढ़ती है का। पद परिचय हम करेंगे, सबसे पहले पद परिचय किया सीता, इसका पद परिचय आप खुद भी कर सकते हैं। सीता नाम है किसी स्त्री का, तो संज्ञा है, इसमें संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ताकार, आप कंटिन्यू लिखेंगे इसमें लगातार। दूसरा पद परिचय किया गीता का, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन। ध्यान से देखो, ये चीता गीता के साथ पाठ पढ़, पाठ पढ़ने का काम कौन कर रही है? दोनों कर रही है, तो करता था। इसमें एक कारक और भी बन रहा है गीता के साथ, ठीक है, सीता गीता के साथ पाठ पढ़ती है, तो गीता के साथ इसमें कर्ता कारक की जगह संबंध कारक ले सकते हैं। इसमें कौन सा कारक ले सकते हैं? संबंध कारक भी, क्योंकि संबंध कारक ही होगा इसमें मेन, तो क्योंकि विभक्ति आदि की काके की कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। कर्ता कारक के बजाय इसमें कौन सा कारक करेंगे हम? संबंध कारक। पाठ जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कारक भी है इसमें। ध्यान से देखो, पढ़ती क्रिया, ये करता क्या पढ़ती है? पाठ पढ़ती है, तो कर्म कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक, क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म होता है, अतः पाठ क्या है? ये कर्म है, पढ़ती है, पढ़ती क्रिया है। क्या पढ़ रही है? पाठ पढ़ रही है, तो अभी भी आपको बताया था कर्म है इसमें, तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ती है, स्त्रीलिंग, काल कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका क्या किया? पद परिचय। अगला उदाहरण है गंगा पवित्र नदी है। पद परिचय किया गंगा का और नदी का। गंगा नाम है, तो नाम वाले सभी शब्द संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग, एकवचन, इसमें कर्ता नहीं है, कारक नहीं है। दूसरा किया पद परिचय नदी का। नदी जाति का बोध करवा रहा है, ठीक है, समूह का बोध करवा रहा है, वर्ग विशेष का बोध करवा रहा है, अतः ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग, एक वचन। नंबर चार, राकेश, राकेश खिलौना लाता है। पद परिचय किया राकेश का खिलौना और लाता है का। राकेश का जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन। खिलौना कौन ला रहा है? राकेश। लाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राकेश के द्वारा। तो ये राकेश क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। क्या कहलाएगा? कर्ता कारक।
खिलौना। जातिवाचक संज्ञा खिलौना पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग एक बच्चा। अब इसमें कर्म देखेंगे, क्या लेकर आ रहा है? खिलौना, तो खिलौना इसमें कर्म है, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। लास्ट है, लाता है क्रियापद है, क्रिया वही क्रिया दो, अक्रमक और सकर्मक, क्या ला रहा है? खिलौना। कर्म की प्रधानता तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? इसमें सकर्मक क्रिया। लाता है पुल्लिंग, एक वचन। काल कौन सा है? ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल।